एज यूजल आपको सारा ओवरऑल पूरा घुमा फिरा के ऊपर नीचे आगे पीछे से हम सारा दिखा दें कि आपको भाई ये प्लाव नज़र कैसा आता है। अगर नो डाउट जिस तरीके से यहाँ पर रश है, उस रश को देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा आप लोगों को कि भाई यहाँ का टेस्ट नो डाउट बहुत ही। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ईशान अहमद और आज हम लोग मौजूद नॉर्थ कराची में तवक्कल बीफ पुलाव वाले के पास। तो यहाँ पर भाई काफ़ी सारा रश था क्योंकि ईद का पहला दिन था, तो यहाँ पर सेल्फ सर्विस थी तो खूब सारी लाइन लगी हुई थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने भाई सोचा कि अपने दोस्त को इस लाइन में खड़ा कर दिया जाए ताकि हमें टोकन मिल सके आसानी से, और उसके बाद आप लोगों के लिए इसका टेस्ट बता दिया जाए कि भाई किस तरीके का टेस्ट है। मगर नो डाउट जिस तरीके से यहाँ पर रश है, उस रश को देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा आप लोगों को कि भाई यहाँ का टेस्ट नो डाउट बहुत ही आला किस्म का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई हर बंदा खुद ही वेटर बना हुआ है, सब कुछ खुद ही बना हुआ है, क्योंकि भाई यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था, कोई वेटर मौजूद नहीं थे, सेल्फ सर्विस थी ईद की वजह से। वैसे आम दिन में आप आएंगे तो आपको यहाँ पर वेटर्स वगैरह मिलेंगे। तो सबसे पहले भाई ये टोकन आपको दिखाते चले, यहाँ पर हम लोग लाइन में लग गए हैं और ये हमारा एक किलो का बीफ पुलाव जो है टोकन आ चुका है हाथ में, और यहाँ पर गर्मा गर्म बीफ पुलाव की देख आ चुकी है। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले यहाँ का शोर शराबा जो जो यहाँ पर मौजूद है सब चीज़ आपको सुनाते हैं, आप सुनिए। चमचे कहाँ से मिलेंगे? चमचे चमचे भाई ने लगाए थे आपने। तो लीजिए यहाँ पर आ चुका है हमारा पुलाव। भाई आप लोगों को सबसे पहले दिखाते चलें कि यह पुलाव बिल्कुल ही अलग अलग जो है इसका दाना नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर भाई सबसे पहले हम लोग डाल लेंगे जो फ्राई ऑनियन इन लोगों ने दिया, और लड़ झगड़ के हर बंदे ने इनसे फ्राई ऑनियन लिया है तो यकीनन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो भाई सबसे पहले ये डाल लिया गया है, और एज़ यूजल आपको सारा ओवरऑल पूरा घुमा फिरा के ऊपर नीचे आगे पीछे से हम सारा दिखा दें कि आपको भाई ये पुलाव नज़र कैसा आता है और खाने में कैसा है वो आपको हम बाद में बताएंगे, पहले आप इसको ज़रा थोड़े से इसके नज़ारे कर लें। हमेशा की तरह आपको दिखाते चलेंगे कि भाई यहाँ की बोटी कैसी है, और हर जगह की आपको बोटी पहले दिखाई जाती है कि गोश्त कैसा है, यानी कि बोटी गोश्त एक ही बात है। खैर तो सबसे पहले दिखाते चलेंगे भाई आपको कि यहाँ का गोश्त कैसा है, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा लजीज है। मेरे दोस्त ने वहाँ स्टार्ट कर दिया था, उसने बताया बहुत ही आउट क्लास है। तो अपने भाई को इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।